गाइस मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रेसल। अभी तो भाई क्या रैंडी ओटन रिटर्न करके जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट पर रिपोर्ट स्प्रेड हो रही है। क्या ये रूमर है, रिपोर्ट है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म नहीं थी इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बताई। लेकिन भाई अब इससे रिलेटेड रिया रिपली से भी एक पॉडकास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अगर रैंडी ओटन रिटर्न करके जजमेंट डे में रहते हैं तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। एंड रैंडी ओटन तो भाई ऐसे सुपरस्टार है कि वो किसी पर भी टर्न कर जाता है। एंड अगर वो रिटर्न करके जजमेंट डे में ज्वाइन होने के बाद आपके ऊपर ही टर्न कर जाते हैं, क्योंकि भाई वो फीमेल रेसलर पर भी अटैक करने में बिल्कुल भी नहीं घबराते। एंड अगर वो आपके ऊपर टर्न करके आपको आरकेओ दे देते हैं तो आपका इस पर कैसा रिएक्शन होगा। तो इस पर रिया रिपली कहते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार है जो जजमेंट डे को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड वो फीमेल रेसलर पर अटैक करने में भी नहीं घबराते। लेकिन अगर बात करें हम लोग रैंडी ओटन की, तो भाई अगर रैंडी ओटन रिटर्न करके जजमेंट डे को ज्वाइन करते हैं तो रैंडी ओटन को हमारे सामने झुक के रहना पड़ेगा। एंड अगर वो हमारे सामने झुक के नहीं रह सकते तो वो हमारी कोई भी जजमेंट डे का पार्ट नहीं बन सकते। एंड रही बात अटैक करने की, तो भाई अटैक के लिए हम उससे ज़्यादा ब्रूटल अटैक कर सकते हैं उनके ऊपर। एंड भाई यहाँ पर से जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि क्या रैंडी ओटन जजमेंट डे में रिटर्न करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ अभी कुछ कह नहीं सकते। ये एक 50-50 वाला चांस है कि रैंडी ओटन रिटर्न करके। एंड भाई अभी तो जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो ये भी आ रहे हैं कि समर स्लैम में जजमेंट डे की एंडिंग स्टार्ट होगी। बाकी आप लोग के क्या थॉट है रैंडी ओटन के रिटर्न से रिलेटेड, आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो बस भाई आज की वीडियो यहीं तक ही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।